साथियों हमारे बीच आज के बिजनेस की पाठशाला के कार्यक्रम के अंतिम दिवस सातवें दिवस में आज हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के मशहूर उद्योगपति और हमारे ही अपने आदरणीय कमल सारडा जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण सबको। जय महेश। कार्यक्रम के प्रारंभ करने के पूर्व मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई रुपेश जी गांधी से कि आप समक्ष आए और आज स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। रुपेश जी गांधी। जय श्री कृष्णा। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा संगठन द्वारा आयोजित 7 दिवसीय बिजनेस की पाठशाला का आज 7वें दिन में हमारे बीच आज ट्रेनर के रूप में नीता जी चांडक एवं अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत के प्रसिद्ध उद्योगपति एवं हमारे छत्तीसगढ़ महेश्वरी समाज के गौरव श्री कमल जी सारडा हमारे बीच है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें उनका मार्गदर्शन व्यापार के हेतु मिलेगा। साथियों बिजनेस की पाठशाला का आज अंतिम पड़ाव है। इसे सफल करने में छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभा के सभी वरिष्ठ जनों, महिला मंडल की मातृशक्तियां एवं राष्ट्रीय एवं प्रदेश युवा संगठन के सभी साथियों का जो सहयोग मिला, साथ मिला, उस सबके लिए मैं उन्हें अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत हमारे वरिष्ठ राकेश भैया, विजय भैया, राकेश जी चांडक जी, राजेश जी मंत्री जी, आप सभी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। साथ साथ इस पाठशाला को सहयोग करने के लिए पाठशाला की समस्त टीम को एवं समस्त छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा संगठन के साथियों का भी मैं प्रदेश युवा संगठन की ओर से अभिनंदन करता हूँ। इस पाठशाला के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहा कि हम व्यापार में आने वाली चुनौतियों को, अपने व्यापार के नए रूप को देने में जो भी सहायता हो सकती है सामाजिक संगठन के द्वारा एवं नई आधुनिक तकनीकों को उपयोग करने हेतु अपने साथियों को हमें तैयार करना था। इस हेतु हमने इस पाठशाला का आयोजन किया और 7 दिवस में हमने बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और आज हमारे बीच आदरणीय श्री कमल जी सारडा है, हमें उनसे भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जय महेश। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारे बीच में आज हमारे छत्तीसगढ़ के ही और हमारे अपने ही उद्योगपति आदरणीय कमल भैया इस वक्त हमारे साथ हैं और युवाओं को वो मार्गदर्शन देंगे कि कैसे हम अपने व्यापार के लिए और क्या चीज बेहतर कर सकते हैं। उनका एक निर्देश भी और एक उनका आग्रह भी हमसे यह था कि जितने भी युवा साथी मुझसे जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपने प्रश्न संभाल के रखें और भैया के स्पीच के बाद हम उनसे प्रश्नोत्तरी रखेंगे, कंटिन्यू जारी रखेंगे। उसके बाद हम अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव निशा जी चांडक का कार्यक्रम 5 बजे से हम उसे जारी रखेंगे। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करूंगा हमारे अपने आदरणीय कमल भैया सारडा जी को कि आप भैया जोरदार तालियों से सब स्वागत करें कमल भैया का। पहले आप सब लोगों को धन्यवाद जिन्होंने मेरे बारे में मुझे याद किया। कार्यक्रम मेरे साथ पंकज सारडा हैं और वो भी यहीं बैठे हुए हैं। मैंने ये कहा था कि इस बीच के बजाय डायरेक्ट अभी अभी जो भी अभी ये टफ पीरियड चल रहा है, चैलेंजिंग पीरियड, और इसी के कारण हम सब लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर COVID-19 का। तो उसके अंदर में अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो उसको मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। मेरे बारे में प्रायः छत्तीसगढ़ में आप सब लोग जानते ही होंगे तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता और इसलिए टाइम बचाने के लिए मैंने यही कहा था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आंसर्स अपन कर लें। एम आई मैं सुनाई आ रहा हूँ आप लोगों को? जी भैया। बहुत बहुत जी भैया। जी भैया। भैया जैसे कृष्ण जैसे मेरा एक प्रश्न है जो लगभग सभी के मन में है और बीते 6 दिन से हम लोग भी सब सुनते आ रहे हैं सभी के विचार उस बारे में
कि जो कोविड को लेकर के मन में एक जो डर और भय बना हुआ है हम सभी के मन में, तो वो कितना जायज है, हम लोगों को कितना डरना चाहिए और कितना उससे बचाव करने की तैयारी करनी चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से सुनना चाहता हूँ। बिजनेस में या हेल्थ वाइज? जी नहीं नहीं नहीं, व्यापार के लिए भैया। व्यापार के लिए, देखिए व्यापार में आप अकेले तो नहीं है जो सफर कर रहे हैं, सभी लोग इसमें, जितने भी लोग हैं आपकी, जैसे आपका व्यापार है, जितने भी आपके काउंटर पार्ट होंगे वो सब के सब भी इससे सफर कर रहे हों, am I right or wrong? तो चैलेंजिंग तो है, काफी चैलेंजिंग है। और ये जब भी चैलेंज आते हैं तो एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं, मैं तो ये कहूंगा। और जब भी इस तरह के चैलेंजेस आए हैं उसके बाद में जब हम इमर्ज होते हैं आफ्टर सम टाइम, तो हम और स्ट्रॉन्गर रूप से हम माने अवतरित होते हैं, ये मेरा मानना है। नमस्कार, दम्माणी जी भी हैं, राम रतन जी भी हैं, नमस्कार कर रहा हूँ आपको, प्रणाम कर रहा हूँ। बोलिए। तो इससे डरने की बात नहीं है, मुझे लगता है जितना छोटा काम उतना, हम लोग अगर अपने रूप में अगर सोचते हैं तो इतनी बड़ी फैक्ट्री बंद है और हमें तो बहुत ज्यादा चैलेंज है, लेकिन हमको ये लगता है कि जितनी भी इंडस्ट्री है सबके साथ यही बात है, हम ज्यादा सफर नहीं कर रहे हैं, हम उनके बराबर ही सफर कर रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि COVID-19 के बाद में, दूसरा इस चैलेंज में हमने बहुत कुछ सीखा भी है, ऐसा नहीं घर में बैठे बैठे हमें अपनी औकात समझ आ गई है, एक प्रकृति के छोटे से वायरस के कारण उसके आगे कुछ नहीं है, जो आंख से हमें दिखता भी नहीं है, उसके आगे हम कुछ भी नहीं है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं देखता हूँ गार्डन के अंदर में ऐसी ऐसी चीजें लग गई है, दोपहर के अंदर में यू कैन हियर एक्चुअली देयर साउंड। तो कहीं नुकसान कहीं फायदा है, आपसे मैं एक ही चीज पूछता हूँ कि ये COVID-19 में आपने सुना है क्या कि आपके कोई परिचित बीमार हुए? अभी तक तो ऐसे कोई नहीं आया, नहीं आया ना? जी नहीं, नहीं नहीं आया, और मेरी भी नजर में नहीं आया डॉक्टर जी, और डॉक्टर से भी बात करो तो वो भी यही बोलते हैं कि मरीजों का टोटा है, मैंने मरीज आ ही रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ आप सोचिए थोड़ा। COVID-19 को छोड़ दीजिए, COVID-19 जिसको प्रॉब्लम है उसके अलावा मैंने कोई हार्ट के केसेस नहीं हुआ, इमरजेंसी कोई किसी को एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं पड़ी है, इवन सर्दी खांसी होना भी बंद हो गई है डर के मारे, जबकि सीजन में बदलाव आए हैं। तो बहुत सारी इसमें चीजें आपको इमर्ज होगी, इस चैलेंज से काम करने का तरीका अभी आप लोग देख लीजिए, यही एक ऑर्गेनाइज करते बहुत बड़े, मतलब ये कुछ भी कॉन्फ्रेंस करना हो तो फिजिकली आप करते, अब आप बैठे बैठे अपने घर से ही सारी सब चीजें मैनेज कर रहे हैं, आदत कुछ अच्छी भी लग गई है, फिर घर का खाना खा रहे हो रोज सुबह शाम, क्यों भाई? जी भैया जी, वो भी गर्म खाना खा रहे हैं अभी तो भैया। जी हाँ जी हाँ,
और कुछ विशेष क्वेश्चन आपके? भैया मेरा एक क्वेश्चन और था कि जो शेयर मार्केट को लेकर के, कि अभी जैसे जो मेटल इंडस्ट्री, अभी पिछले 3 दिन पहले भी मधुसूदन जी के साथ भी थी चर्चा, तो उसमें भी हमारे कुछ भाइयों ने ये जानना चाहा था कि मेटल इंडस्ट्री को लेकर के आगे का क्या लग रहा है सिनेरियो, कि यदि अभी कोई भी नया इन्वेस्टमेंट मेटल इंडस्ट्री में कोई करना चाहते हैं तो आपके मुताबिक वो कहाँ तक कितना सही रहेगा या कैसे करना चाहिए उसमें? मेटल इंडस्ट्री इतनी इतना बड़ा है कि कौन से, मतलब मेटल इंडस्ट्री मतलब मेटल में बड़ा मतलब कई प्रकार, बेसिक अगर अपन स्टील इंडस्ट्री को लेकर के चले जैसे, जी जी, तो उसके लिए मतलब कोई अगर स्टील इंडस्ट्री में शेयर लेना चाहे या? जी देखिए अभी तो शेयर है ना बहुत ही मतलब पी अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से पी 1-2 के बीच में, अगर कोई समझते हैं शेयर के बारे में प्राइस शेयर की और अर्निंग, तो 1-2 मतलब कोई भी अगर अच्छे प्रमोटर की इंडस्ट्री में अगर आप शेयर लेंगे तो ये सही बात, लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप नए हैं शेयर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या आपके पीछे में बैक ऑफिस नहीं है, या आप पूरी तरह से उसको एनालिसिस नहीं कर पाए हैं, तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि किसी अच्छे एडवाइजर के थ्रू ही आप इन्वेस्टमेंट करें जी, और एक एक एलोकेट कर सकते हैं, जैसे अगर आपका कुछ परसेंटेज जो सेविंग सरप्लस मनी का ही इन्वेस्ट करें, मेरे जो शेयर में मनी है वो कर सकते हैं जी। भैया मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी बातें आ रही है कि चाइना से बहुत से उद्योग आ सकते हैं जी, तो कुछ उद्योग जो अपन ग्रुप में या छोटे रूप में कर सके, इस बारे में आप कुछ गाइडलाइन करते युवा साथियों के लिए हमारे लिए अच्छा होता। देखिए मैं जैसा कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी बहुत इमर्ज होने वाली है और इंडिया के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगी, क्योंकि ये सभी लोग कह रहे हैं कि कोविड के बाद में संभलने के बाद में एक्चुअली जैसे जापान ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि वहां से इंडस्ट्री अगर रिलोकेट होती है तो उन्होंने एक फंड बनाया है $220 बिलियन का, कि भाई जो भी इंडस्ट्री वहां से रिलोकेट होगी है चाइना से और कहीं पर भी लगा रही है तो उसको जापान गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। ये तो जैपनीज ने ओपनली बोला हुआ है। मुझे ये लगता है कि यूरोप और यूएसए इसके बाद में इन लोग सब एक होके शायद ये चाइना को कोई छोटे उद्योग जो अपने आ सकते हैं जिसके बारे में अपने युवा साथी या हम सब मिलकर कुछ कर सकें, ऐसे कोई भी उद्योग अगर आप लोगे, मैंने आप ये पूछना चाह रहे हैं कि किस उद्योग में मतलब अपन एंटर कर सकते हैं, किस उद्योग में हम एंटर कर सकते हैं, नए उद्योगों में क्या राय बनती है? नए उद्योग अपॉर्चुनिटी बहुत रहेगी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्चुअली उद्योग को देखना चाहिए, और सबसे पहले तो उद्योग लगाने के लिए एक तो सरप्लस फंड जरूर रखिए, अगर आप लोग मैनेज कर सकते हो अगर साथ में मिलके तो, और फाइनेंस इजीली मिलेगा उद्योग लगाने के लिए। आप लोग मतलब बाहर में ये कोशिश करिए कि बाहर की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर, वो ज्यादा अच्छा है, अगर क्योंकि उनके साथ यदि अगर आपकी भागीदारी होगी तो आपका प्रोडक्शन वगैरह सब सिक्योर रहेगा और वो पैसा भी लगाएंगे बजाय अपने लगाने के।
तो आपको मतलब ढूंढना पड़ेगा कंपनियां, कौन कौन सी कंपनियां आने वाली है, और जो भी कंपनी इंटरेस्टेड होगी वो तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से मिल जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। उद्योग विभाग वगैरह, मैंने इसमें क्या है प्रोएक्टिव आप लोगों को काम करने। राम रतन जी, आप कौन सी इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड लग रहे हो? मतलब कुछ नया सोचते हैं, जैसे हमारे कैटल फील्ड में बहुत सी लाइन बाबू जी, यानी जिसको मतलब इतना अथाह है उद्योग कि इस प्रतिकूलता में भी हम बहुत मस्त हैं। हाँ हाँ, आप तो हमेशा मस्त हैं, कृपा ठाकुर जी क्या है यानी इतनी अच्छी संभावना है, इतनी अच्छी संभावना है, जैसे पोल्ट्री उद्योग एकदम डाउन चल रहा है या और भी डाउन चल रहा है, हमारी संभावना इतनी अनंत है कि हम बता नहीं सकते साहब। तो इसमें हमको कोई नई जानकारियां मिल जाए, व्यवस्थाएं मिल जाए। इसमें पोल्ट्री के अंदर में आप देखिए, मैंने कंट्री बहुत ज्यादा पोल्ट्री फीड लेता है और कहां हमको पोसाएगा, तो उस कंपनी उस देश में की पोल्ट्री का आजकल तो सब नेट पे मिल जाता है। जी जी, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो चाइना में होंगे या कहीं और होंगे, उनसे आप कांटेक्ट करिए जी, अगर बड़ा काम करना है। हाँ। और वो कांटेक्ट ऐसे नहीं होता, मैं आपको 90s दशक की एक बात बताता हूँ कि मैं जापान गया था एक फैक्ट्री देखने के लिए, बहुत छोटी हमारी फैक्ट्री थी, और उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या है, आपको परस्यू करना पड़ता है। तो मैं उसके पास में कम से कम नहीं तो 4-5 बार गया हूँ बिना फालतू। वो बोले मतलब पहले तो मना कर दिए, इवन बातचीत करने के लिए मना कर दिए, जब देखे उन लोगों का इतना इंटरेस्ट है तो 90s में जाके मेरा हो सकता है 2-3 साल बाद में जाके उन्होंने मेरे साथ टाई अप किया था टेक्निकल ट्रांसफर का। तो यू हैव टू बी इन टच विद देम, ये मैंने आपको रेगुलर परस्यू करना पड़ेगा। मनीष भी एक हमारे साथ, श्याम बागड़ी जी हैं, उनको अनम्यूट करेंगे, उनका एक प्रश्न है, श्याम बागड़ी जी को अनम्यूट करेंगे। हाँ मैं ले रहा हूँ भैया, जी श्याम भैया आप अपना प्रश्न रखेंगे। जय श्री कृष्ण, आलोक बागड़ी बोल रहा हूँ, आलोक श्याम हम लोग साथ में ही हैं, बैठे हैं। मैं शारदा अंकल जी से एक सिर्फ जानकारी ये लेना चाह रहा था कि अभी जो ये लंबा अपग्रेडेशन हॉलिडे चल रहा है, हम लोग सब अभी अपने अपने सिस्टम्स को, अपने वर्किंग स्टाइल को अपग्रेड कर रहे हैं जी, ये अपग्रेडेशन हॉलिडे जो चल रहा है, मैं इसे कोविड नहीं बोल के मैं अपग्रेडेशन हॉलिडे के रूप में ले रहा हूँ, तो इसमें आगे हमें किस तरह से वर्क करना चाहिए, हमें फ्यूचर में किस तरह से, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है जिस तरह से वर्क कर रही हैं या जिस तरह के फुल कैपेसिटी पे भी वर्क नहीं कर पा रही है, तो एंशलरीज बहुत सारी आपके साथ जुड़ी रहती है इंडस्ट्रीज के साथ में, तो हमें किस तरह से आगे देखना चाहिए कि एज ए नॉर्मल ट्रेडर एंड उसके ऊपर में आपकी एज ए ट्रेडर एज ए सप्लायर टू द इंडस्ट्री। जी जी, आपका क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है? नहीं, एक तो सिस्टम में अपग्रेड, सिस्टम में हम लोगों ने अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, एक तो ये आज की डेट हिसाब से है जी। देखिए हमें कोई, हाँ हाँ सेकंड, हमें कोई पर्टिकुलर लाइन या किसी स्ट्रीम को पकड़ के उस तरह से अपने आप को वर्क करना चाहिए, क्योंकि अभी तक के एक रेगुलर जनरल सप्लायर के हिसाब से अपने वर्क करते आ रहे हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे हैं ना, कुछ छोटे मतलब जो भी, हाँ, छोटे यूनिट में या कोई एंशलरी के सामान कहीं जाने के,
किसी बड़ी इंडस्ट्री के साथ किसी एंशलरी या इस तरह की कोई उसमें जाने का कोई स्कोप बनता है? नमस्ते श्यामिया, जय श्री कृष्ण, हेलो, जय श्री कृष्ण, नमस्कार भैया। जो सिचुएशन देख रहे हैं जी, उसमें बहुत लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चीजों के साथ जी, और उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही हैं, जो हमारे आईटी इंडस्ट्री में हैं, उन्होंने देखा कि घर से काम करने में एक तो डेढ़ डेढ़ घंटे का मेट्रो में टाइम बच रहा है लोगों का, उनका खर्चा कम हो गया है कि उनका पेट्रोल डीजल कम लग रहा है, और घर में उनका जब ये दो तीन घंटे का टाइम बच रहा है तो वो और इनपुट दे पा रहे हैं, जो टाइम और जो उनको कंप्यूटर के सामने टाइम बिताना है उसमें उनको एक्स्ट्रा काम कर पा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली अगर बोलें तो दे हैव बिकम मोर प्रोडक्टिव। कुछ कुछ एरियाज में ये सिचुएशन देखने मिल रही है। हमारे कुछ भाई लोग ऐसे भी हैं जिनको लग रहा था कि जो दो दो लाख रुपए का रेंटल दे रहे हैं अपने ऑफिस वगैरह में, उन्होंने देखा कि बहुत ट्रैवल करना ये कम कर दें अपने अगर, और 50,000 रुपीज रेंटल में चले जाएं, यहाँ पे 5-10 जन जो आए अपना जो जिसको ऑफिस यूज करना है आए, और बाकी सब फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट्स, जो अच्छे अच्छे डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका जिनके क्रिएटिव हेड्स और क्रिएटिव टीम पूरे टाइम कंप्यूटर में बैठ के डिजाइनिंग कर रही हैं, तो ये उन सब को देखते हुए अगर आप देखें तो कुछ कुछ इंडस्ट्री में बहुत परिवर्तन आ रहा है कि किस तरह से वो सीख रहे हैं वर्किंग फ्रॉम होम, और कैसे अपनी कॉस्टिंग कम भी कर रहे हैं, और उन्होंने देखा है कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई है। तो इस सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट बहुत करना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, जो चीज अच्छी क्लिक हो रही हो उसको आगे बढ़ाना चाहिए और एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। हमारे एक वैभव धूत जी प्रश्न रखना चाह रहे हैं, वैभव धूत को अनम्यूट करें। मनीष, वैभव धूत जी को अनम्यूट करेंगे। हेलो, हाँ हाँ वैभव, अपने प्रश्न रखिए जी। जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मेरा प्रश्न ये था कि अभी जो दौर चल रहा है आगे रिटेलर को बहुत कंपटीशन, मुझे ऐसा लगता है कि रिटेलर को बहुत तकलीफ होगी आगे काम करने में, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग और जितने बड़े चैन है, डीमार्ट हो गए, वॉलमार्ट हो गए, इनके सामने छोटे रिटेलर को टिकना और उनके सामने कंपटीशन फेस करना, मतलब हम कैसे आगे इनके सामने टिक पाए और कैसे अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाए, उसके लिए आप। अभी आज ही मैं एक पेपर में पढ़ रहा था कि सारे रिटेलर्स की जो एसोसिएशन है वो जॉइंटली मिलके अपना कुछ जैसे ई मार्केटिंग करने का सोच रही है, क्या कुछ lala.com ऐसा कुछ बना रही है, am I right or wrong? Yes. दूसरा, अभी कुछ अखबार में आया था कि जियो और फेसबुक मिलके ये सारे जितने भी रिटेलर्स हैं उनको कनेक्ट करके उनसे व्यापार करने का सोच रही है। देखिए, है तो चैलेंजिंग पीरियड और बहुत टफ कंपटीशन होगा, और इसके अंदर में मतलब ये है कि कस्टमर जो है, जो खरीदार है, वही सबसे ज्यादा माने ही इज द किंग। तो ये भी एक मुझे बहुत बढ़िया आइडिया लगा कि एसोसिएशन ये सोच के एक lala.com बन और उसके अंदर में जाके कहीं पर भी पास में कोई रिटेलर हो, सपोज अगर ये सब पॉसिबल होता है तो जैसे आपके आसपास के जो घर वाले हैं वो हो सकता है कि आप lala.com में जाके आपसे सामान खरीदें और आप डिलीवर कर पाए। जी जी, हाँ
हमारे साथ हर्ष लाहौटी जी हैं। मनीष, हर्ष लाहौटी को अनम्यूट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो इसमें भी आ रहे हैं। हर्ष लाहौटी जी, हर्ष अपना प्रश्न रखेंगे, आप अनम्यूट हो चुके हैं। हर्ष जी का क्वेश्चन आ गया है। उनका क्वेश्चन है कि क्या पैकेजिंग एवं सैनिटाइजर सेक्टर को ग्रोथ की संभावना है? देखिए, सैनिटाइजर जो सेक्टर है, सैनिटाइजेशन जो सेक्टर है, उसकी तो अभी संभावनाएं बहुत हैं। अब कोविड में, कोविड के बाद में भी लोगों के आदतें जो है वो स्वच्छता पे रहेगी, और इसका मार्केट मुझे जो लगता है सैनिटाइजर का, सैनिटाइजेशन का, वो रहेगा। और पैकेजिंग के अंदर में बहुत अपार संभावनाएं हैं। अब पैकेजिंग मटेरियल के बारे में बात होती है, कुछ ना कुछ इसमें भी आविष्कार कुछ ना कुछ होगा। प्लास्टिक के बदले में, जैसे कई जगह तो डिग्रेडेबल प्लास्टिक विद द पेपर कोटिंग आने लग गई है, तो ये तो सदाबहार इंडस्ट्री है, ये चलनी चलेगी ही पैकेजिंग जी। सुनील मुंदड़ा जी एक प्रश्न रखना चाह रहे हैं। सुनील मुंदड़ा जी, आप अपना प्रश्न रखें। सुनील मुंदड़ा जी, जब तक हम अरुण का प्रश्न लेते हैं, जब तक सुनील भी लाइन में था, अरुण अपना प्रश्न रखें जी। अरुण डाका जी, जय श्री कृष्ण अंकल। मेरा एक प्रश्न है आपसे। हेलो जी जी जी। फ्यूचर में वायर रोड्स के प्राइस इंक्रीज होते दिख रहे हैं या अभी थोड़ा टाइम है, मतलब स्टॉक से बचना चाहिए? देखिए, इस अभी मैं तो आपको ये एडवाइस नहीं करूंगा कि अननेसेसरली स्पेकुलेट किया जाए, जरूरत है उतना लिया जाए, क्योंकि अभी हमें ही नहीं पता है कि प्राइस डिप होगी या प्राइस राइज होगी। अभी पर टेम्पररी पीरियड में प्राइस भले ही इंक्रीज हो, लेकिन लोगों के पास स्टॉक इतना पड़ा हुआ है, जब वो स्टॉक बाहर निकलेगा तो नेचुरली सेलिंग प्रेशर विल बी मोर एंड प्राइसेस मे डिप, पॉसिबिलिटी ऑफ डिपिंग इज मोर जी। शिवम मंत्री जी का एक प्रश्न है। शिवम मंत्री जी को अनम्यूट करेंगे। मनीष, शिवम मंत्री को अनम्यूट करेंगे। हाँ, शिवम जी अपना प्रश्न रखें। साडा जी, जय श्री कृष्णा। शिवम मंत्री बोल रहा हूँ, श्री शिवम से जी। जय श्री कृष्णा। साडा जी, पंकज भी आप दोनों को देख के पहली बार तो बहुत मजा आ गया। पंकज भी से बात भी हुई थी फोन में। क्वेश्चन ये था कि आज बैंकिंग सेक्टर, अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, और अभी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स आए हैं, आपका जो एक पर्टिकुलर अमाउंट का लोन लिया हुआ है उसमें 5% प्लस हो के आपको विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन टेशन के साथ आपको लोन दिया जाएगा बैंक के थ्रू। बट अगर आज अपन बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में इनफ्लो नहीं है, सिर्फ आउटफ्लो है। सो अभी इकोनॉमी कैसे बैलेंस हो पाएगी, क्योंकि आज सबका बिजनेस डाउन है, कहीं से भी इनफ्लो नहीं है, सिर्फ आउटफ्लो है। आज अगर अपन एम्प्लॉय की सैलरी बोल रहे हैं, बैंक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा आफ्टर लॉकडाउन। सो हाउ द गवर्नमेंट विल बैलेंस दिस इकोनॉमी, आज ये बैलेंसिंग कैसे होएगा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम जितने भी बिजनेसमैन है, अगर हम पूरे के पूरे डाउन हो गए तो इकोनॉमी को चलाना या फिर सिर्फ और सिर्फ एक खेती वाले को या उनको प्रॉफिट देना, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प देना और बिजनेसमैन को हेल्प नहीं देना, ये कहां तक वाजिब है, पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें आप एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट आप इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? जी हाँ, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका। अभी इस समय चैलेंजिंग पीरियड तो है ही है, जैसा आपको पता है कि, और गवर्नमेंट है ना, हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स हो गया या नीचे तबके वाले जो मजदूर वगैरह हो जाते हैं उनके बारे में वो अभी तक पैकेज वगैरह लेके
माने हर समय आती है और आएगी। जहां तक हम लोगों की बात है तो हम लोगों को कभी भी तवज्जो इंडिपेंडेंस के बाद मिला नहीं है, और ये निश्चित रूप से बदलाव थोड़ा थोड़ा आएगा, और इन लोग कुछ बहुत बड़ा जैसा मैं सुनता हूँ कि काफी बड़ा पैकेज लेके इंडस्ट्री या एमएसएमई के लिए ये कुछ अनाउंस करने वाले हैं, एंड ये कुछ सोच तो रहे हैं। जहां तक ये चैलेंजिंग पीरियड की बात है कि आपने ये कहा कि आउटफ्लो हमारे बने हुए हैं निश्चित हैं, लेकिन इनफ्लो कुछ नहीं है, कोई काम हो नहीं रहा है, इनकम आ नहीं रही है। देखिए ये ऐसे पीरियड बहुत बार आते हैं, कई बार बहुत नुकसान का पीरियड है भी रहता है। अब जैसे दमानी जी का काम देखें, दमानी जी के काम के अंदर में सोने का काम है, बिना काम किए ही, मतलब देखिए अपॉर्चुनिटी है उनके पास, वो दाम इतने बढ़ गए होंगे जिनके पास जितना स्टॉक है, क्यों दमानी जी तो उनको फायदा ही फायदा है, जितना कम माल बिका है उतना ज्यादा फायदा है। तो कई बार सिचुएशन इस तरह की होती है हर इंडस्ट्री में, लेकिन एक चीज जरूर है, आप खर्चे जरूर कम करेंगे। अभी जैसे पंकज बता रहे थे, लोग बात सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से करेंगे। अभी हमारी एक एसोसिएट कंपनी है, उनसे बात हो रही थी, अब मैं अपने भांजे से बात कर रहा था, ही केम आउट विथ आइडिया कि भाई हम लोग आदमी कम करने के बजाय तो 6 दिन वर्किंग है उसमें 1 दिन हम आदमी का कम कर देते, क्यों किसी को निकाले, तो 5 दिन की वर्किंग, और बोले हमारा काम हो जाएगा। तो 5 दिन की वर्किंग में आप 6 दिन में 1 दिन का सैलरी कम, सब लोग कम लेने के लिए तैयार हो गए। देखिए सैलरी कट तो होगा ही होगा, आदमी इस तरह से इनोवेटिव आइडियाज चलेगा। अभी हम लोग जो हम अपनी शिफ्ट बताए चालू हुआ है हमारे यहाँ कि कम लोगों से आप काम कराइए, तो वी हैव कम आउट विद ए स्कीम कि भाई हम लोग है ना 12 घंटे है ना 48 घंटे काम करते हैं जो हमारे लोग हैं, तो 12 घंटे एक दिन में काम करा लें, मतलब 4 दिन। अब उनको 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, 3 दिन का आना जाना कम हो जाएगा, हमारे यहाँ पर जितने नंबर्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग इज कमिंग टू द माइंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और ये तो जरूर होगा ही इस तरीके के, जब भी इवेंट्स आते हैं उसमें आदमी अपने खर्चे कम करता है। अभी बताइए आपको कोई लग्जरी गाड़ी चाहिए आप ये सोचेंगे क्या, नहीं भैया दाल रोटी खाओ। अंकल जी जैसे कि मैं बोला, जैसे कि आपने बोला कि दाल रोटी गाओ प्रभु के गुण गाओ, बिल्कुल सही करना वही है, बट आज आप एक चीज ये बताइए कि बैंक इंटरेस्ट आज जो इंडिया का है इट मे बी 8% लोअर साइड 8.5% एंड द हायर साइड मे बी 12-13% व्हाटएवर, आज इंडस्ट्री को 8% बैंक इंटरेस्ट आज का जो लोअर है, और अगर आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को रिलीज देती 1% से, अगर वो 7% भी हमें एट एंड कंज्यूमर को 7% में ला के हैंडओवर करते हैं, तो भी आज जो बिजनेस का आफ्टर लॉकडाउन जो इनफ्लो होने वाला है, और जो बैंकिंग का ये है कि आफ्टर लॉकडाउन यू हैव टू पे व्हाटएवर अमाउंट है ना, जो आपका इतने दिन तक आपका अगर इंटरेस्ट छूटा है तो उसको भी आपको पेमेंट करना है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी पे करना है, तो क्या इकोनॉमी उतनी स्पीड से बूम होने वाली है? वो चीज प्रैक्टिकल ऐसे लगता नहीं हमें हमारे बिजनेस को देखते हुए, या फिर अगर मैं जैसे आप दमानी जी के अभी आप बिजनेस की बात करें तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि सोने चांदी का बिजनेस आफ्टर लॉकडाउन बहुत स्पीड से बूम हो जाएगा और वो हमें वो सब चीज को हमारे गैप को फिल करने को काम आएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, देखिए जो जो प्रायोरिटी वाइज आइटम है आदमी उसमें खर्चा करेगा, जो नॉन प्रायोरिटी जिसके बिना रह सकता है वो जैसे ब्रांडेड गुड्स हो गए, लोग बाग अभी कुछ दिन तक ब्रांडेड गुड्स वगैरह सब भूल जाएंगे, तो ये है। और इंटरेस्ट की जहाँ तक वेवर की बात है, रिडक्शन की बात है, ये मेरे ख्याल से नहीं होगा, डिफरमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा।
इतना ही आप कोशिश करिए कि वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ना चार्ज करें, ये रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं उसको, आप ये करवा सकते हैं बैंक को रिक्वेस्ट करके या अपने एसोसिएशन से एक ये भेज सकते हैं कि भाई अभी जो इंटरेस्ट लगा है हमारे जो 1.5-2 महीने का, वो इंटरेस्ट को आप डिफर कर दीजिए और उस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ना लगाएं तो भी, और वो कम से कम 3-4 साल के इंस्टॉलमेंट में आपसे वसूल लें, एक ये तरीका हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, हमारे साथ जी हेलो, हाँ जी जय श्री कृष्णा भैया, जय श्री कृष्णा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत शानदार तरीके से हमारे प्रश्नों का और हमारे साथियों के प्रश्नों का आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने इनका जवाब दिया। आज हमारे बिजनेस की पाठशाला के अंतर्गत हम आज अपने अगले ट्रेनर जो हमारे बीच हमारी मुंबई से स्पेशली हमारे रिक्वेस्ट पर आज हमारे बीच पहुंची हैं, निशा चांडक जी। राकेश भैया हेलो, हाँ एक क्वेश्चन था भैया मेरा जी, कमल अंकल से। हाँ बोलिए लीजिए अंकल जी, जैसे वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप अभी हमारे प्रदेश के पूरा युवा साथी इसमें जुड़े हुए हैं और अभी कुछ युवा साथियों के मन में ये चल रहा है कि कुछ नए व्यवसाय की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप सजेस्ट कौन से बिजनेस के साइड आप सजेस्ट करेंगे कि जाना चाहिए हमें, और आपके जैसे बड़े उद्योगपतियों के यहाँ या बड़े उद्योगों में क्या कुछ संभावना है नए युवाओं के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है कि आगे चांसेज ऐसे कुछ रहेगी क्या? देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, जो हमारे को जो आइटम लगता है वो आइटम्स हम लोग बाहर से लेते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज से, उसका यदि अगर स्कोप लगता है आप लोगों को तो आप देख सकते हैं, आप लोगों को एक ग्रुप बनाना चाहिए, स्टडी ग्रुप जितने लोग हैं, और जब तक उसमें एफर्ट्स नहीं करेंगे उस लाइन के अंदर में बहुत सीरियसली, हम लोग अभी बात कर रहे हैं और बस ये खत्म हुआ कॉन्फ्रेंस फिर रह गए वाला बन, एक सॉलिड ग्रुप बनाइए आप लोग, कुछ लोगों का 8 या 10 लोगों का, और स्टडी करिए कि हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्या कर सकते हैं, अपार संभावना है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हैं और बहुत बड़ा है, इवन एंसिलरी इंडस्ट्री में जा सकते हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई है, सीरीज ऑफ इंडस्ट्री है यहाँ, स्टील इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक के अंदर में जा सकते हैं, और भी बहुत सारे मतलब सारा स्कोप है, लेकिन एक ग्रुप बना के उसके लिए एफर्ट्स चाहिए। एक्चुअली ये स्टडी ग्रुप कम से कम नहीं तो 5-6 महीने सॉलिड काम कर सकता है अभी कि क्या क्या चीजों के अंदर पोटेंशियल है, और मैं आपको सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, चैलेंजिंग पीरियड है, हताश होने की जरूरत नहीं है, बी पॉजिटिव, जब आप अच्छा वाइब्रेशन रखेंगे और अच्छी चीजें सोचेंगे तो कुछ ना कुछ चीज इमर्ज होके निकलेगी, और जब भी इस तरह से चैलेंजिंग पीरियड आता है और वो जब चैलेंजिंग पीरियड निकल जाता है तो मैंने देखा है कि जितनी भी एडवर्सिटी में है तभी लोगों ने इनोवेशन किया है, नया काम किया है, नई चीजें देखी है, सिर्फ एक बात है उसको एफर्ट्स करने की जरूरत है। हाँ पंकज के कुछ व्यूज हैं, हमारे कंपनी में सारे इंक्वायरीज जितनी भी जगह जा रही हैं सब ऑटोमेटेड जाती हैं, और एक हमारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है अपना जुगाड़.com, तो उसमें जाके अगर जिसको किसी को भी रजिस्टर करना है अपने अपने बिजनेसेस के लिए और क्या क्या आइटम्स वो करते हैं, तो डेफिनेटली जो इंक्वायरीज निकलेगी उसमें एक कॉपी अपने पास भी आ जाएगी, ऑटोमेटिक है वो, मैं शेयर कर लूंगा नीलेश जी से और राकेश जी से जी, वो सर्कुलेट भी कर देंगे, तो वो जुगाड़ प्लेटफॉर्म में जाके आपको पता चलेगा हम क्या क्या खरीदते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद भैया, बहुत शानदार तरीके से प्रश्नों की लगातार झड़ी लगी हुई है, लेकिन अभी भी हमारा एक कार्यक्रम जो बिजनेस पिछले 6-7 दिनों से हम चल लेके आ रहे हैं भैया, बिजनेस की पाठशाला में, जिसमें पूरे देश के विख्यात अपने माहेश्वरी समाज के बहुत सारे ट्रेनर्स इसमें आके अपनी अपनी
बातों को यहाँ पर रखे हैं, जिसमें हमारे युवा लगातार हमसे 200 से ज्यादा युवा हमसे रोज लगातार जुड़ रहे हैं। और आज इसी तारतम्य हमारे बीच मुंबई से पहुंची है निशा जी चांडक।